आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज। देख रहे हैं आप ग्राउंड रिपोर्ट, और ग्राउंड रिपोर्ट में आज की तारीख 4 अगस्त, और 4 अगस्त को इंतज़ार है 5 अगस्त का, और सरकार ने इसी इंतज़ार को देखते हुए 5 अगस्त से पहले ही कर्फ्यू का ऐलान भी किया। और कल शाम को श्रीनगर में सरकार ने एक हुक्मनामा जारी करते हुए ये भी बताया कि 5 अगस्त को उन्हें लगता है कि मुजाहरे हो सकते हैं, हालात बदल सकते हैं, इसलिए उन हालात पर, उन मुजाहरों पर काबू पाने के लिए कर्फ्यू ही ज़रूरी है। और यूँ कल शाम को ही ये मालूम हो गया था कि आज से कर्फ्यू 2 दिनों के लिए है। और आज कर्फ्यू का पहला दिन वादी कश्मीर के शुमाल जनूब में कर्फ्यू का अमलाया जाना ज़मीनी सतह पे भी देखा जा रहा था। शहर श्रीनगर में गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ पे फोर्सेस के इजाफी दस्ते तैनात थे, और इजाफी दस्ते हर आने वाले को ये पूछते रहे थे कि कहाँ जाना है, और जिसके पास इजाज़तनामा नहीं था उसे वापस भी भेजा जा रहा था। फोर्सेज के इजाफी दस्ते सड़कों पर भी तैनात थे, और शहर श्रीनगर की तरफ आने वाले सभी रास्तों को सील भी किया गया था। शहर खास की भी यही सूरत हाल थी, और शहर आम में भी ऐसा ही कुछ किया जा रहा था। और शहर श्रीनगर के हर तरफ पुलिस और फोर्सेज के इजाफी दस्ते आज 4 अगस्त से लेकर 5 अगस्त के कर्फ्यू को ज़मीनी सतह पर अमलाने की कोशिश भी कर रहे थे। शहर श्रीनगर की हालत जार या सूरत हाल कुछ इस तरह से थी। ये शहर श्रीनगर की हालत ज़ार, लेकिन शहर श्रीनगर के बाहर भी कुछ ऐसा ही था। गुलमर्ग की ऊंची पहाड़ियों की बात हो या टंगमर्ग के मैदानों की, वादी लोलाब की बात हो, कुपवारा की सुरताल हो, कुलगाम का हाल अहवाल हो, हर जगह से खबर यही आ रही थी कि लॉकडाउन है, कर्फ्यू है, और कर्फ्यू के दौरान लोगों के आने जाने पर पाबंदी आई है, किसी को निकलने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी, और जो भी निकलता था उसे पूछताछ ज़रूर की जा रही थी। खदशात सरकार को थे कि 4 और 5 अगस्त की तारीख में 5 अगस्त को कहीं प्रोटेस्ट भी हो सकते हैं, और यही सुरताल वादी कश्मीर के दूसरे इलाकों की थी। प्रोटेस्ट को रोकने के लिए आज कर्फ्यू लगाया गया था। जुमाद वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों की यह झलक। लॉकडाउन का निफाज कायम किया गया है, इसलिए तमाम लोगों से गुजारिश की जा रही है कि वो अपने अपने घरों में बैठे और SOPs का फॉलो करें। ये सियासी मैदान का घमासान, और इसी सियासी मैदान में आपको याद होगा बीजेपी ने जश्न मनाने की बात की है। PDP ने बताया था यौम सयाह मनाएंगे। कश्मीर की दूसरी सियासी जमातें भी कुछ इसी तरह का हाल अहवाल बता रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी कहीं ना कहीं मुतहद होने की बात की है, लेकिन सियासत के गलियारों में बड़ा सवाल 5 अगस्त का, जो तारीख बना है, जो तारीख बनता भी जा रहा है। लेकिन इसी 5 अगस्त के साथ साथ कश्मीर में एक और परेशानी है, वो कोविड की परेशानी है। पिछले साल 5 अगस्त को कश्मीर की तारीख बदली थी, और उसके बाद यहाँ लॉकडाउन हुआ था, लेकिन वो लॉकडाउन जहाँ जारी था वहीं कोविड भी हुआ, और कोविड ने एक और लॉकडाउन यहाँ पे ऐसा लगा दिया कि सारे का सारा करा दरा रह गया। इसी लॉकडाउन के दौरान वादी कश्मीर के शुमाल जनूब में केसेस की तादाद भी आती गई, और मरने वालों की तादाद भी बढ़ती गई। आज भी मरने वालों की खबर आई है, आज भी केसेस के पॉजिटिव होने की खबर आई है, और 400 के मरने वालों की तादाद तो हम पहले ही पार कर चुके हैं, वहीं 20,000 के पॉजिटिव केसेस की तादाद भी पार कर चुके हैं।
चुके हैं। तहम कल जो तादाद आई रिकवरीज़ की वो आइंदा के लिए अच्छी खुशखबरी भी है, क्योंकि अच्छी तादाद में कल पॉजिटिव केसेज जो हैं वो रिकवर भी हुए हैं। डोनेशन यानी प्लाज्मा डोनेशन पर भी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और इस सारे के दौरान वादी कश्मीर में लॉकडाउन से लेकर दूसरे मामला पर आम लोग यही कहते हैं कि हालात जो हैं उनकी मार बड़ी पड़ रही है, क्योंकि एक साल से लगातार लॉकडाउन के दौरान कश्मीरी का जीना हराम हो चुका है, न तालीम हासिल कर सकता है। सरकार ने तालीम के लिए अभी भी 2G ही रखा हुआ है, वो 2G जिसपे जी तो होता है, बाकी कुछ भी समझ नहीं आता है। और तालीम के साथ साथ दूसरे मैदानों में बहुत से मामलात हैं और इन्हीं मामलात में कश्मीर की वो हालत जिसके लिए जम्मू कश्मीर में कभी कभी रोना भी आता है। हम आपको बानिहाल लिए चलते हैं। एक 17 से 18 साल की उम्र की बच्ची का कत्ल हुआ है और कत्ल करने वालों ने उसे इस तरह बेदर्दी से कत्ल किया है कि उस पर तेजाब भी छड़का है, गर्दन भी काटी है, बाजू भी काटे हैं। आरिफ वहीद मेरे साथ मौजूद है बानिहाल से, हम उनसे जानना चाहेंगे। आरिफ, ज़रा तफसील से बताएं इस बच्ची का क्या नाम है और क्या सूरत हाल पैदा हुई है, पुलिस क्या कर रही है? जी बिल्कुल सनम सर, देखिए ये एक बहुत बड़ा सानिया जो है बानिहाल के अंदर हुआ। आसिफा केस के बाद जो है एक उससे भी हाई प्रोफाइल केस ये सब जिला बानिहाल के अंदर जो कपरन टॉप का इलाका है, जो वेरीनाग से ये रास्ता जुड़ता है, यहाँ पर सिलाड़ वगन की एक बच्ची जिसका नाम शबीना है, 18 साल उनकी उम्र है, और कास्तीगढ़ का जो एक शख्स है जो पुलिस ने गिरफ्तार किया, उनके ऊपर मुकदमा 302 का दर्ज किया गया है। आशिक हुसैन सनब गुल मोहम्मद भट्ट आरओ कास्तीगढ़, इसके साथ में दूसरा निसार अहमद जोदा वल्दी गुलाम हसन जोदा जो कि चंजलू के रहने वाले हैं, बानिहाल के एक टाउन के साथ में एक गांव पड़ता है। इस बच्ची को जो है इन्होंने बड़ा एक्सप्लॉइट किया है और इसके साथ इसकी असमत रेजी जो है 3-4 महीने जो है लगातार हुई है। बच्ची प्रेग्नेंट थी और उसके साथ में जो है बच्ची ने बहुत कोशिश की है कि वो अपनी पर्दादारी करे, लेकिन ये जो दरिंदे हैं ये इतने वैशी थे कि यहाँ पर उसे जो है एक जंगल के रास्ते में 2 दिन भूखा रखा गया। यानी जून की 28 तारीख को जो है इस शबीना को फोन लाइन पर बुलाया गया, उसके बाद जो है 28 तारीख और 29 तारीख को जो है वहां जंगल में इसको घुमाया गया है भूखे पेट, और उसके बाद 30 तारीख को जो है उसका कत्ल जो है अंजाम दिया गया है। और कत्ल के हवाले से अगर बात करना चाहेंगे तो ये इसमें लोगों के जो बेटियां हैं वाले हैं उनको काफी अफसोस है, इस ये जो ब्रूटल मर्डर है, रेप हुआ है, तो उसमें कहीं ना कहीं पे यहाँ पर पुलिस की भी अगर बात करें तो लोग जो है यहाँ पर तसल्ली बख्श अंदाज में पुलिस का शुक्रिया अदा करते हैं। SSP रावत और खासकर SHO आबिद बुखारी या SDPO बानिहाल, जिन्होंने की 48 घंटों के अंदर अंदर जो है मुलजमों की गर्दन तक पहुंचे। और यहाँ पर अगर बात करें तो इस कत्ल को जो है अंजाम देने से पहले जो है यहाँ पर एक कॉन्स्पायरेसी भी की गई है। इस कातिल ने सबसे पहले पत्थर से जो है सर पे इस बच्ची को मारा है, और उसके बाद जब ये नीम मुर्दा हालत में फिर से घसीटा गया है और झाड़ियों में रखा गया है, और फिर दूसरे रोज जो है एक टोका और इसके साथ में एक कुल्हाड़ी और एसिड जो है इस्तेमाल किया गया है बॉडी के ऊपर, और उस कुल्हाड़ी और उस टोके से जो है उसकी गर्दन अलग की गई थी और उसके हाथ जो है बिल्कुल अलग किए गए थे ताकि ये बॉडी पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं बानिहाल के लोगों को और पूरे ये वहीद काज ऑफ डेथ तो हो गया ये, लेकिन कारण ऑफ डेथ, रीजन ऑफ डेथ, मारा क्यों है? ठीक है इनके इनके साथ रिलेशन थे, वो क्या मतलब मारने की वजूहत क्या बता रही है, क्यों इसका बेदर्दी से कत्ल किया गया है? जी सर, अगर इसमें कत्ल के हवाले से बात करना चाहेंगे, ये जो दो जो दरिंदे हैं, जो आशिक हुसैन है ये एफकॉन कंपनी में एक डंपर चलाता था, और दूसरा जो दरिंदा है नसीर अहमद जो जोदा है, ये निसार अहमद जोदा जो है ये बिल्कुल उनका यहाँ पर हेल्पर था उस डंपर का। इस बच्ची ने 2 माह पहले जो है ये कहीं रिलेटिव्स के घर जा रही थी, तो इन्होंने इस बच्ची ने जो है लिफ्ट मांगी है, उसे ये लगा कि इस खड़ी के इलाके में जो है लोकल ड्राइवर से, शायद वो समझकर जो है ये नादान जो बच्ची है ये उस डंपर में बैठी, तो वहां पर जो है इन दोनों ने कुछ कॉन्स्पायरेसी जो है आपस में जोड़ दी, और उसके बाद जो है फोन पर इसके साथ जो है बात करने लगे। और उसके बाद जो है यहाँ पर जो डोडा का कास्तीगढ़ का जो ये आशिक हुसैन है, इन्होंने जो है इसके साथ जो है बहुत बार जो असमत रेजी की है, और उसके बाद जो है जब यहाँ पर ये निसार अहमद जोदा जो है इन्होंने भी ये एक्टिविटी जो है अंजाम दी है जो बिल्कुल उन्होंने बयान दिया है, तो कहीं ना कहीं पे इसको जो है यहाँ पर ब्लैकमेलिंग इस बच्ची को करते रहे, और लास्ट में जो है इसे झांसा देकर जो है जो निसार अहमद जोदा है उसने इस बच्ची को बोला कि डोडा का जो कासीगढ़ का जो ये जो दरिंदा है वो ऊपर से आ रहा है जंगल के रास्ते, और वो कह रहा है कि आपके साथ वो शादी करेगा, और उसके बाद जो है इसे झांसा देकर जो है
कापरन टाप के इलाके में घने जंगलात में जहां किसी का पहुंचना बड़ा मुश्किल है, गुलिस्तान की पूरी टीम जो है दो तीन रोज जो है उस दूर अफ्तादा इलाके में गई और सब चीजों को जो पुलिस ने वहां पर वो कुल्हाड़ी बाकी जो चीजें जब्त की और उसमें कहीं ना कहीं लोग पुलिस का शुक्रिया अदा करते हैं और खासकर एसएचओ आबिद बुखारी का जिसका की ईद उल अजहा में वो गार्ली गया भाई छोटे भाई की शादी थी वो उन्होंने सस्पेंड कर दी। एसडीपीओ बानीहाल को जो रक्षाबंधन का जो बड़ा दिन था उसने अपनी बहन से जो है वो राखी नहीं बंधवाई तो कहीं ना कहीं उनका मानना था कि ये बच्ची का जो ये हाई प्रोफाइल केस है सोसाइटी में ऐसे क्राइम को किस तरह से इन दरिंदों के ऊपर शिकंजा कसना है। तो अगर आज बात करें तो एक तरफ से मातम की लहर जरूर बानीहाल के अंदर है कि एक खूबसूरत सी एक फूल सी बच्ची जो है उसका इतना बेदर्दी से कत्ल किया गया, लेकिन दूसरी तरफ से पुलिस का लोग शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जो है पूरी एफर्ट लगाई ईद उल अजहा पर भी जितने भी पुलिस टीम है उनको लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी मुबारकबादी जरूर दी। लेकिन अब मामला ये कि जो तार जो कनेक्शन कुछ कॉन्स्पिरेसी के जुड़े हुए है इस ब्रूटल मर्डर के साथ जो है लोगों के कहीं ना कहीं पे मन में है कि वो सभी लोग जो है इस शिकंजे में आने चाहे और एसएसपी रामबन हसीबुर रहमान भट्ट का मानना है कि जो भी इसमें और इन्वेस्टिगेशन में आ जाएगा तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा, सबको कैफरे किरदार तक जरूर पहुंचाया जाएगा। ये लड़की क्या शादीशुदा, ये बच्ची जो है क्या ये शादीशुदा थी? ये शबीना ये जो बच्ची है ये 18 साल इनकी एज है, बिल्कुल ये शादीशुदा नहीं थी। अलबत्ता ये जो दो दरिंदे थे ये जो कास्तीगढ़ का है और बनिहाल का ये दोनों शादीशुदा थे, एक की बच्ची है और एक का बेटा है, लेकिन इन्होंने इसको झांसा देकर इसकी मासूमियत का गलत फायदा उठाकर उसे धोखे में रखा और उसके बाद जो है यहाँ पर कभी एक दूसरे को और दूसरा इस मतलब एक दूसरे को ट्रांसफर करते रहे यानी ब्लैकमेलिंग के हवाले से, और कहीं ना कहीं इस बच्ची ने अपनी अस्मत को बरकरार रखने के लिए जो है एबॉर्शन के लिए भी जो है ये कहा कहीं 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 पे गई है बानीहाल के ये जो हॉस्पिटल गली है, लेकिन वहां पर भी जो है पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है कि क्या कहीं मेडिकल शॉप का वो शख्स इसमें इन्वॉल्व तो नहीं है, रेट बढ़ाने के हवाले से उसने इस बच्ची के साथ जो है वो मामला, और या फिर पुलिस को उन्होंने जानकारी क्यों नहीं दी। तो इसमें सब कुछ पुलिस का मानना है, जो भी तार इसमें जुड़ा है किसने एसिड लाया किसने ये हथियार वहां पर वो तेज तरार हथियार रखे जिससे कि इस बच्ची का बेदर्दाना बेईमाना कत्ल हुआ है। बहुत शुक्रिया आरिफ फहीद, बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन अब हम दूसरे पहलू पर चलेंगे, इस पहलू पर याद दिलाना चाहेंगे उन बच्चियों के लिए उन लोगों के लिए जो किसी न किसी झांसे में आकर फंस जाते हैं और उसके बाद उनके लिए जान का खतरा भी पैदा होता है। इस बच्ची के बारे में जिस तरह आरिफ ने बताया कि झांसे में लाया गया इससे धोखा दिया गया और उसके बाद इसकी जान ली गई, जान इसकी इसका कत्ल किया गया। अब पुलिस ने महकमे ने पुलिस ने इसमें कार्रवाई शुरू की है, साफ जाहिर है जितने भी तार होंगे उनको खंगालने की ज़रूरत है और ऐसे मर्दूदों को सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए जो हमारे माशरे के लिए समाज के लिए एक नासूर बन रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ दूसरे भी कई नासूर हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है कि बच्चों को हर तरह से परेशान किया जाता है, अब बच्चों के से फीस के नाम पर बच्चों को परेशान किया जाता है, बच्चे जो फीस दे नहीं सकते हैं, वालदेन के पास सख्त नहीं है, कुछ काम किया नहीं है तो फीस कहाँ से दे, और जहां ट्यूशन फीस अलग वहां एडमिशन फीस भी बच्चों से ली जा रही है। एक बच्ची हमारे साथ फोन लाइन पे हमें बता रही है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लेके क्लस्टर यूनिवर्सिटी और कश्मीर यूनिवर्सिटी किस तरह बच्चों के लिए अजाब बनी हुई है, सरदर्द बनी हुई है, खासतौर पे वालदेन के लिए। सर मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट फेडरेशन की स्पोक्सपर्सन बात कर रही हूं। सर हमें मसला, मैं लास्ट टाइम भी आई थी प्रेस कॉलोनी, तो वहाँ पे मैंने पहले मास प्रमोशन पे प्रोटेस्ट किया एंड लास्ट वीक मेरा था वहाँ पे प्रोटेस्ट ऑन दिस फी वेवियर। जी सर अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटीज ने कोई भी डिसीजन नहीं लिया, कल लास्ट डेट है, इवन दो वी नो कि कल तो यहाँ पे आज से ही कर्फ्यू है, हाउ इज इट पॉसिबल कि हम जाए और फी अटेंड अपना भर पाए? एंड सर ये पहले ही इम्पॉसिबल है, वी आर इन लॉकडाउन फ्रॉम लास्ट वन ईयर, कहाँ से पेरेंट्स भी घर में है, हमने कौन सा स्कूल देखा, कौन सा कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, दीज पीपल आर नाउ डिमांडिंग अस द फी। सर हम चाहते हैं कि आप हमें लाइव कौन सी फी मांगते हैं, एडमिशन एडमिशन फीस सर, ये इट इज नॉट सर ओनली द मैटर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी बट कश्मीर यूनिवर्सिटी एंड क्लस्टर यूनिवर्सिटी, इट्स राइट नाउ अ मास इशू एंड नो वन इन द अथॉरिटी इज राइट नाउ एबल टू यू नो थिंक अबाउट द स्टूडेंट्स वेलफेयर। नाउ आई हैव टेकन, मैं समझा नहीं, आपकी एडमिशन फी या आपका क्लास रेगुलर क्लास फी जो होते हैं वो मांग रहे हैं? सर एडमिशन फी एडमिशन तो आपका हो चुका है ना, आपने फी पहले ही दे चुकी है। जी 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 सर, अभी हमें सर और मांग रहे एडमिशन फी दूसरे सेमेस्टर का। सर जब हमने उस सेमेस्टर में कोई क्लास ही नहीं दी है तो इसका हम कहाँ से देंगे? अच्छा पहला सेमेस्टर आपका हो गया पास?
जी जी वो प्रमोट किया है उन्होंने, किया ना वो लास्ट टाइम हमें वो प्रमोशन दी, कब? उसका हमने सर ऑलरेडी दिया था वो एडमिशन फीस। सर वो भी एक जो हमें ये वापस करने चाहिए, क्योंकि जब हमने पढ़ा ही नहीं है, अगर वापस भी नहीं करेंगे जिस सेमेस्टर में अभी हमें प्रमोट किया उसके लिए वो रख लो, हमें क्यों मांग रहे अभी सर, हमें 8,000 भरने फिर सर कहाँ से लाएंगे हम लोग? कितना कितना फी मांग रहे हैं सर? मेरा है अभी है मेरा 6,000 एक सेमेस्टर का, जो मेरे हायर सेमेस्टर से सीनियर वी हैव टू पे 8,000, 9,000, 10,000 वो कहाँ से सर वो लाए? ये सिर्फ क्लस्टर यूनिवर्सिटी को है या नहीं? नहीं नहीं सर, इट इज द इशू ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी से नादिया रशीद बात कर रही हूँ जी। इट इज द मैटर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, दिस इज द मैटर ऑफ कश्मीर यूनिवर्सिटी, दिस इज द मैटर ऑफ क्लस्टर यूनिवर्सिटी। आपने किसी को बोला कि ये जुल्म हो रहा है, किसी से बात की? सर मैं लास्ट टाइम भी आई तब भी हर एक चैनल पे वो दिखाया सर, वीसी को भी किया, अप्रोच इज नॉट टेकिंग एनीथिंग सर। आप मुझे मिल रहा है गवर्नर के पास अपॉइंटमेंट, उसको मैंने किया, उसके पीए को आज वो पीडीएफ पूरा सेंड जी। मगर सर यहाँ से भी हमें कोई फिर सपोर्ट करना चाहिए ना मीडिया में, क्योंकि दिस इज राइट नाउ एन न्यूज एंड दिस इज द इशू, दिस इज अ वेरी कंसर्निंग इशू। कश्मीर के बच्चे पहले ही परेशान, लेकिन इसी परेशानी में और परेशानियां भी खड़ा की जा रही हैं। कभी उन्हें इम्तिहानात के नाम पे रुलाया जाता है, कभी फीस के नाम पे, कभी सेमेस्टर के नाम पे, और ये सब कुछ होते हुए हमारे अरबाब इकदार में लोग तमाशा देखते हुए मज़े शायद ले रहे हैं, वरना इन मामलात को लेके वो बाज़ार में आकर, वो आवाम के सामने आकर इन मामलात को सुलझाते भी। ये बच्चियाँ पिछले दिनों श्रीनगर में प्रेस कॉलोनी में भी आई थी, तब भी मुजाहरा किया था, तब यूनिवर्सिटी हुकाम से मुझसे मालूम हुआ था कि वो इस मामले पे इकदाम करेंगे, लेकिन इतना वक्त गुजरने के बाद भी इन्होंने कुछ इकदाम नहीं उठाए। ज़रा हम आपको दिखाते हैं, करीबन 20 दिन पहले यही बच्ची श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में नारेबाजी कर रही थी, बता रही थी कि इंसाफ चाहिए उन्हें, लेकिन 20 दिनों बाद भी इंसाफ ना मिले तो कहाँ के तकाजे। हम 20 दिन पुरानी वो वीडियो आपको दिखाते हैं जब ये यूनिवर्सिटी हुकाम के हवाले से नारेबाजी कर रहे थे। माई नेम इज़ नादिया रशीद नाइक एंड आई एम द स्पोक्स पर्सन ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स फेडरेशन। मैं आज यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ऑन बिहाफ ऑफ द स्टूडेंट्स आई एम हेयर इन प्रेस कॉलोनी। मैं आज इसलिए यहाँ पे आई हूँ बिकॉज हमारा अभी जो इशू है वो है फी इशू। जो हमारी यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज है दे आर आस्किंग अस टू पे अ एडमिशन फीस, दैट इज़ क्वाइटली इम्पॉसिबल राइट नाउ बिकॉज हमें पता है फ्रॉम पास्ट वन ईयर वी आर कंटिन्यूसली हेयर इन लॉकडाउन टिल दिस डेट। हम खाली फैब में यूनिवर्सिटी गए हैं कुछ टाइम के लिए, उसके बाद पेंडेमिक यहाँ पे स्टार्ट हो गया जिसकी वजह से अब हम बिल्कुल इस हालत में है ही नहीं कि हम जो अपना एडमिशन फ़ी है वो दे पाएंगे, क्योंकि हमारे पेरेंट्स भी लास्ट ईयर से घर पे बैठे हैं, इकोनॉमी पूरी क्रश है, हमारे पेरेंट्स बिल्कुल अभी इस कंडीशन में है ही नहीं कि वो हमारा एडमिशन फ़ी हमें दे देंगे। वी आर रिक्वेस्टिंग आवर यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ रादर दी लेफ्टिनेंट गवर्नर सर, प्लीज़ एंड प्लीज़ लुक आफ्टर दिस मैटर कि जो हमारा ये फ़ी है इसमें हम चाहते हैं हमें 60% वेव ऑफ हो जाए, एंड राइट नाउ वी आर नॉट इन अ कंडीशन टू पे। जब हाँ जब कंडीशंस विल बी नॉर्मल दैट टाइम वी कैन पे। दिस इज़ नॉट राइट ओनली द इशू ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इट इज़ अ मास इशू इन कश्मीर वैली। ये बच्चे परेशान हैं, ये पुरानी फुटेज थी, पुराना वीडियो था, हमने तब की ये वीडियो आपको दिखाई जब इन्होंने यूनिवर्सिटी हुकाम से अपील की थी, लेकिन आज भी यूनिवर्सिटी हुकाम फ़ोन नहीं उठाते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं, बताते नहीं कि आखिर ये बच्चे जाएं तो जाएं कहाँ। लेकिन और भी कई मामलात हैं, हमारे यहाँ शोबे स्तिब जिसे हम कहते हैं, यानी हेल्थ डिपार्टमेंट का NRHM डिपार्टमेंट फ्रंट लाइन पे काम करता है, कोविड के दौरान अपनी जान को ख़तरे में डाला और काम किया। एक डॉक्टर NRHM से जिसका ताल्लुक था उसकी मौत भी वाकई हुई, लेकिन सरकार उनके साथ क्या कुछ करी है? आज भी वो यही बात लेके आते हैं कि सरकार ने वादे किए थे, सरकार ने दावे किए थे, लेकिन फाइल पे फाइल बनते हुए इतनी फाइलें बनी हुई हैं कि अब समझ नहीं आ रहा है, सरकार को भी समझ नहीं आ रही है कि उस फाइल का क्या हुआ। ऐसी ही बात हमारे साथ की NRHM से वाबस्ता अफराद ने। क्या परेशानी है फिर सर आपको इस सारे कोविड के रिलेटेड जो आप बता रहे हैं कि काफ़ी परेशानी हो रही है? सर आपको पता है पिछले 13 सालों से हम इस NHM में काम कर रहे हैं, तो इस टाइम आप देखिए 21 मार्च से यहाँ कोविड स्टार्ट हुआ, तो 21 मार्च से हम बराबर कोविड ड्यूटी, आइसोलेशन, सैम्पलिंग, क्वारंटीन सेंटर में। आपको हाल ही पता है कि हमारे एक डॉक्टर डॉक्टर शबीर मलिक जो ग्रेज में ड्यूटी थे क्वारंटीन सेंटर में थे, उनका कोविड पॉजिटिव आया था, फिर उनका इंतकाल हो गया
ये SMHS में, उनकी फैमिली भी है और कुछ हमारे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी नहीं है, जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है हमारी, हम तो मीगर सैलरी पे काम कर रहे हैं। इक्वल हम गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहते हैं, एक तो हमारे लिए जॉब सिक्योरिटी बनाया जाए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। आपको सर पता ही है कि हम सारे इस टाइम हमारी फैमिली भी सफ़र हो रही है, सब कुछ सब कुछ सफ़र हो रहा है, तो हम जॉब सिक्योरिटी नहीं है। चलिए, ये सरकारी मुलाजमीन की बात, जो उम्मीदें लेके सरकार तक आए थे कि शायद उनका फ्यूचर बनेगा, लेकिन सरकारी नौकरी होते हुए भी ना वो सरकारी हैं ना आधे सरकारी, और इसी में फंसे हुए ना इधर जा सकते हैं ना उधर जा सकते हैं। लेकिन आवाम भी कुछ परेशान नहीं है, उड़ी का इलाका दूर दराज का इलाका है और लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ सटा हुआ इलाका, यहाँ आए रोज़ इस तरह के वाक़ देखने को मिलते हैं और इन्हीं वाक़ात में उड़ी की ये सूरत हाल हम आपको दिखाते हैं, आवाम किस तरह की बुनियादी सहूलियात वहाँ परेशान है। गवर्नमेंट की नोट्स में ये बात लाई कि हमें सर ये ब्रिज की जो अशद ज़रूरत है, यहाँ पर जो है ये नेशनल हाईवे का वाहिद ब्रिज है जो पूरे इलाके को कनेक्ट करता है सर, इसके पीछे जो है 20 से 25 तकरीबन नीचे के गांव जो है इससे मुंसलिक है और उड़ी के हेड क्वार्टर को भी यही ब्रिज जो है जाता है। तो सर ये 15 साल पहले बना हुआ था, तो अभी तक जो है ये कंप्लीट नहीं हुआ। अब जो है नोट्स में ये बात आई है, सुनने में आया है कि सर ये ब्रिज जो है नाकाम हुआ है, अब जो है इसको उखाड़ रहे हैं, अगर ये बन जाता है तो इससे ट्रैफिक में मतलब ट्रैफिक को कोई दुश्वारी नहीं होगी। ये ब्रिज जो है बन चुकी थी लेकिन कोई टेक्निकल खराबी की वजह से ये कमीशन नहीं हो पाया था, इन यूज़ नहीं हुआ था, शायद सैलाब की वजह से या किसी और वजह से इसमें कोई ख़राबी आ गई थी। ये इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि बाय द एंड ऑफ दिस समर ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और ये बहुत ही स्ट्रेटजिकली इम्पॉर्टेंट ब्रिज है बिकॉज इसके एक ही ब्रिज है इसके ऊपर अभी यहाँ उड़ी के अंदर, और कोई रास्ता नहीं है फिलहाल। अल्टरनेटली हम आर्मी का बनाया हुआ ब्रिज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि ये ब्रिज जल्दी बन जाए। और चलिए हम आपको नाज़रीन अब चलते चलते ये भी बताते चलें कि जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात में, जहां मिलिटेंसी और मिलिटेंसी के मुखालिफ ऑपरेशन भी बराबर जारी हैं, वहीं आज सुबह थापर पट्टन में बारूदी सुरंग को नाकारा भी बनाया गया। बताया जाता है कि सुबह फौज की रोड ओपनिंग पार्टी ने थापर पट्टन में पेट्रोल पम्प के नज़दीक एक मुशतबा शय को पाया और बाद में बम डिस्पोजल स्क्वाड को लाया गया, जिन्होंने बताया कि बारूदी सुरंग है। और ये बारूदी सुरंग कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ से फौज का आना जाना, 24 फौजी कन्वाई चलती रहती है, 24 घंटे चलती रहती है, जो उसी को निशाना बनाने के लिए बारूदी सुरंग बिछाई गई थी। तहम फौज की बर वक्त नज़र से ये बारूदी सुरंग को बरामद किया गया और नाकारा बनाया गया। लेकिन इसके साथ ही अभी तक का ग्राउंड रिपोर्ट यहाँ से ख़त्म हुआ चाहता है। मुझे मेरे साथी समीर वानी के साथ दीजिए इजाज़त, ऊपर वाली की रही मर्सी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।